इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पे सरोजिनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ी बिल्डिंग गिर गई, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दो टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं और 6 घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। आपको बता दें सरोजिनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी बिल्डिंग गिरी है। वहीं सीएम योगी ने बिल्डिंग हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पे सरोजिनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ी बिल्डिंग गिर गई, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बता दें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पे रेस्क्यू काम कर रही हैं। 6 घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया है। सरोजिनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर से खबर आ रही है, जहां पे बड़ी बिल्डिंग गिरे, लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पे लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ के सरोजिनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां पे एक बड़ी बिल्डिंग गिर गई। बता दें सीएम योगी ने बिल्डिंग हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं और घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, राहत बचाव कार्य जारी है और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। बता दें कि 2 टीमें लगी हुई है रेस्क्यू में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की, जो लोगों को लगातार बचा रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ के सरोजिनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर से है, जहां पे एक बड़ी बिल्डिंग गिर जाने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।